नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। प्रयागराज हाई कोर्ट से एक अफजाल अंसारी के लिए राहत भरी खबर आई है। आज अफजाल अंसारी के केस में अफजाल के वकीलों ने जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने जवाब दाखिल किया था कि उनकी सजा को बढ़ाया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 साल की सजा दी, उस पे अफजाल के वकीलों ने आपत्ति जताई और बोले कि मुझे जवाब देने के लिए कम से कम 5 दिन का समय दिया जाए। और हाई कोर्ट में जो मेरे पास अभी सूचना आ रही है कि फिलहाल वो समय शायद दे दिया है अफजाल के वकीलों को, यानी अफजाल अंसारी ही अब चुनाव लड़ेंगे गाजीपुर से। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, ये आखिरी कोशिश थी उनके विपक्षियों की कि अफजाल को चुनाव लड़ने से शायद आज रोक लग जाए, अफजाल चुनाव न लड़ पाए। लेकिन आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अफजाल के वकीलों ने समय मांगा है कि हमको 5 दिन का समय दीजिए, ताकि जो राज्य सरकार ने उनकी सजा बढ़ाने के लिए अपील की है और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने जो अपील की है उसका हम जवाब दे सकते। जो जानकारी है अफजाल के वकीलों की मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इसमें 2-3 बातें हैं। 5 दिन का समय अगर मिल जाता है जैसा अफजाल के वकील ने मांगा है, तो आज हम 27 तारीख को खड़े हैं और जबकि 4 दिन बाद ही चुनाव है, यानी 28, 29, 30, 31 और 5वां दिन 1 तारीख को चुनाव होगा। 5 दिन का समय मांगा है तो उस समय में 1 तारीख को अगर बहस होती भी है तो चुनाव चल रहा होगा, पहली बात। और अफजाल के वकीलों ने वो बात की है कि अफजाल एक सामाजिक आदमी है और वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो कहीं भाग नहीं रहे। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा और मीडिया का एक खेमा, जी हाँ मीडिया का एक खेमा उम्मीद लगाए बैठा था कि आज 27 मई को हाई कोर्ट इस वाले मामले में, ये मामला जो गैंगस्टर का मामला अफजाल का चल रहा है प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें सजा आ जाएगी। सजा यहाँ आजकल क्या है ना कि हर आदमी पहले से ही प्लान कर ले रहा है कि हाई कोर्ट क्या फैसला देगा, उसी अनुमान पे भाई लोगों ने बड़ी सारी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 1 हफ्ते में जो फैसले दिए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के इरादों पर पानी फिर गया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के इरादों पर पानी फिर गया। पहला फैसला आज से 3 दिन पहले आया था, जब जो दो जौनपीठी वाले मामले में हाई कोर्ट में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी। खैर, सुनने में आ रहा है उनकी पत्नी को तो फिलहाल जमानत मिल गई है। एक हेट स्पीच का मामला और है जिसमें की सजा काट रहे हैं। खैर, और सजा पे फिलहाल रोक भी लगा दी है हाई कोर्ट ने। और आज जो फैसला आया है, देखिए ये गैंगस्टर एक्ट लगा कब था, अफजाल पे गैंगस्टर एक्ट लगा था 2006 के आसपास, 2007 के आसपास। दरअसल 2005 में कृष्णानंद राय जो मोहम्मदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनकी कुछ लोगों ने जान ले ली थी और बड़ी बेरहमी से जान ली गई थी और उसमें लगभग 150 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी और उसमें आरोपी बनाए गए थे मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था। मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल में बंद थे और अफजाल उस वक्त जो है वो गाजीपुर से सांसद हुआ। खैर, मुकदमा चला बहुत दिनों तक और MP MLA कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल 2023 में अफजाल अंसारी को इस मामले में 4 साल की सजा दी थी गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में। लेकिन इस मुकदमे के खिलाफ अफजाल जेल भी गए थे। खैर, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई 2023 में जमानत दे दी थी, जमानत पे बाहर आ गए थे क्योंकि सजा पे रोक नहीं लगा था और तब उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ी गई थी क्योंकि गाजीपुर से सांसद थे। उसके बाद अफजाल इस मामले में को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया और दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई और हाई कोर्ट को, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट को यह आदेश दिया कि इस मामले का निस्तारण 30 जून 2024 तक हर हाल में हाई कोर्ट कर दे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन खैर, लगातार इस पे मुकदमेबाजी चल रही थी। पहले कई लोगों ने कयास लगाया कि अफजाल अंसारी तो शायद नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाएंगे, लेकिन अफजाल अंसारी ने नॉमिनेशन फाइल किया। जब अफजाल अंसारी ने नॉमिनेशन फाइल किया और जिस दिन नाम वापसी का दौर था तो मीडिया क्या हेडलाइन बनी, मैं आपको सुनाता हूँ।
दरअसल अफजाल और समाजवादी पार्टी ने एक प्लान डी भी बना रखा था कि अगर इन केस हाई कोर्ट का फैसला नॉमिनेशन फाइल लेने करने के दिन या वापस लेने के दिन आता है, उस कंडीशन में उन्होंने अल्टरनेटली अफजाल की बेटी नुसरत अंसारी को भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उसमें एक एक फॉर्म भी होता वो नहीं दिया था। तो क्या हुआ, अब नुसरत अंसारी का ऐसे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रूप में पर्चा खारिज हो गया, क्योंकि भाई अफजाल का खर्चा हो अफजाल का पर्चा जो है वो ओके हो गया। तो एक पार्टी से एक ही प्रत्याशी लड़ सकता है, लेकिन हमारे गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं, हेडलाइन चलने लगी नुसरत अंसारी का पर्चा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ग्रुप में खारिज। अरे भाई, खबर ये थी कि अफजाल अंसारी का पर्चा बैठ पाया गया। खैर, वो जस्ट थोड़ी देर तक मना, गोदी मीडिया जस्ट मनाती है, मन गया, लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि अफजाल अंसारी का कैंडिडेचर तो ऐसे समाजवादी पार्टी पर्चा वैलिड है, साथ ही साथ नुसरत अंसारी का प्लान बी के तहत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उनका पर्चा भी वैलिड हुआ। और उसके बाद जो देखिए पूरी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चुनाव में अखिलेश यादव की और उनकी पूरी टीम बहुत ठंडे दिमाग से रणनीतिक चालें चल रही है, ऐसी राजनीतिक चालें चल रही सतरज की जिसपे भाजपा और भाजपा के समर्थक लोग हर चाल में पिटते चले आ रहे हैं। आप याद कीजिए मार्च के महीने में जब चुनाव शुरू हुआ था, तब यही गोदी मीडिया के चैनल्स दिल्ली से बैठ बैठ के उनके एंकर्स टीवी स्क्रीन फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि 80 में 75, 80 में 77 योगी लहर, प्रचंड मोदी लहर, क्या क्या बोल रहे थे। तो क्या चाल चली, अब दूसरी जो चाल चली कि नुसरत अंसारी को चुनाव चिन्ह दिला दिया गया छड़ी का, कि इन केस अगर किसी तरह से भी प्रॉब्लम होती है, अफजाल की कोई सजा हो जाती है मतदान के दिन के पहले, तो नुसरत अंसारी हमारी कैंडिडेट रहेगी और उनको चुनाव चिन्ह छड़ी दिलाए। छड़ी किसका चुनाव चिन्ह, छड़ी उन्हीं हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी चुनाव मिला, निशान मिला हुआ है, क्योंकि वो अभी अधिकृत पार्टी नहीं है, इसलिए उनके सिंबल को कोई दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जहां पे वो चुनाव लड़ रहे हैं ले सकता। तो नुसरत अंसारी को छड़ी का चुनाव चिन्ह दिलवाया गया था, इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। खैर, सुनवाई टलती गई और 21 को पहले हुआ कि 20 को सुनवाई होगी, फिर 21 को, फिर 22, फिर आज 27 की डेट थी। आज भी गोदी मीडिया के चैनलों में चल रहा था कि मुख्तार के केस में आज फैसला आ जाएगा, लेकिन जो चतुराई दिखाई अफजाल के केस में अफजाल के वकीलों ने, कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो आपत्ति दायर की है, जो अपनी अपील दायर की है, कि हमारी सजा बढ़ाई जाए, और पीयूष राय ने भी जो सजा बढ़ाने की अपील की है, हमको उसका जवाब देने के लिए 5 दिन का समय दिया, और फिलहाल हाई कोर्ट ने वो उनको समय दे दिया। कितने दिन का, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगर 5 दिन का समय मिलता है तो इसका मतलब चुनाव बड़े आराम से अफजाल अंसारी लड़ेंगे। उसके बाद सूचना ये आ रही है कि 1 जून से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवकाश होगा, ग्रीष्मकालीन अवकाश। तो कई जानकारों ने, खासकर ABP.com ने तो ये लिखा है कि अब अफजाल के मामले में जो फैसला है वो जुलाई के पहले नहीं आएगा, यानी मतदान भी हो जाएगा और मतगणना भी संपन्न हो जाएगी। तो ये जबरदस्त बूस्ट मिला है, और भी आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज बड़ी ऐतिहासिक रैली की है गाजीपुर में अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी की बड़ी ऐतिहासिक रैली थी, बड़ी संख्या में वहां जनसैलाब आया था। देखिए, गाजीपुर के चुनाव में मैंने कल भाजपा के कई नेताओं से बात की थी, आपको पता है कि मैं वहां पे गाजीपुर गया था, 2 दिन में रुका भी था। तो 15 और 16 तारीख को मैं गाजीपुर ही था, और गाजीपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि कम से कम अफजाल इस चुनाव को 1 लाख वोटों से जीतेंगे, ये उनका अपना आकलन है। और भाजपा का प्रचंड से प्रचंड समर्थक भी कह रहा है कि अफजाल को इस चुनाव में हरा पाना बड़ा मुश्किल है। और आज ट्विटर पे जो चला है, क्योंकि तो आपको याद होगा कि जब मुख्तार की मौत हुई थी तो उनके जनाजे में 4 लाख से ज्यादा का जनसैलाब आया। यहां मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि दिल्ली का मीडिया आपको सच नहीं बताता है, गाजीपुर जिले का, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जहां से चुनाव होना है, वहां लगभग 20 लाख वोटर हैं और मुस्लिम वोटर वहां 10% भी नहीं है, समझिए। तो यहां हिंदू मुस्लिम का गेम चलेगा ही नहीं, प्लस अफजाल यहां से 2 बार सांसद रहे हैं, इसलिए अगर मैं 40 सालों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 2 या 3 बार चुनाव जीती,
और अंतिम बार 2014 में जब प्रचंड मोदी लहर थी तब भारतीय जनता पार्टी ने सीट पे इस तरह से कब्जा किया था जब वहां मनोज सिन्हा मात्र 27,000 वोटों से जीते थे और वो इसलिए जीते थे कि उस सीट पे उस वक्त तीन तीन यादव प्रत्याशी उतर गए थे। एक तो बसपा ने भी यादव उतार दिया था, कैलाशनाथ यादव करके बड़े नेता रहे हैं बनारस के, चंदौली वो बनारस के रहने वाले थे, गाजीपुर का प्रभाव था, वो लड़े थे बाबू, और एक एक यादव अपने डीपी यादव वो भी आके लड़े थे, और तो बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी यहाँ से लड़ी थी चुनाव। तो गाजीपुर में चुनाव ऐसा हो गया था कि वोट बहुत बढ़ गया था विपक्ष का और मनोज सिन्हा बड़ी मुश्किल से लगभग 27,000 वोटों से चुनाव जीते। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो यहाँ पे 1,00,000 से ज्यादा वोटों से अफजल अंसारी जीते। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो उसकी तो कल्पना किसी ने नहीं की। जी हाँ, आज उस बात का जिक्र किया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि उस दिन जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे अखिलेश यादव चले थे, ये नवंबर 2021 में, तो मैं उस दिन उनके साथ था और हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चले, जहां से शुरू होता है, जहां पे मुख्तार अफजाल का घर है, वहां से 6-7 किलोमीटर दूर वहां से वो हाईवे शुरू हुआ लखनऊ के लिए, लगभग 330 किलोमीटर हाईवे पे, और हम लोग वहां से सफर शुरू होता है 2 बजे और लखनऊ आने में लगभग 16 घंटे लग गए थे। 330 किलोमीटर का सफर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी पड़ा हुआ है @pathakalok68 पे वो वीडियो पड़ा हुआ है। मतलब कि 330 किलोमीटर के सफर को कारों और बसों के काफिलों को कवर करने में 16 घंटे लग गए थे। तो वो जन सैलाब उतरा था, उसी जन सैलाब की याद दिलाई थी आज अखिलेश यादव ने गाजीपुर की सभा में। और जो गाजीपुर का दूसरी बात यह है कि गाजीपुर में फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस आदमी को उतारा है वो माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा के खेमे का आदमी। गाजीपुर में अगर 10 साल भारतीय जनता पार्टी सीरियसली चुनाव लड़ना चाहती तो वहां वो अगर नान यादव ओबीसी कुशवाहा को, जिसे 2-3 नाम थे, एक तो सुधाकर कुशवाहा का बड़ा तेजी से नाम चल रहा था और एक और एमएलसी है जगदीश कुशवाहा, उनका नाम चल रहा था, अगर किसी नान यादव ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाती तो भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में किसी तरह से मुकाबला करने की स्थिति में थी। अब क्या हुआ है कि आपने वहां एक भूमिहार प्रत्याशी उतार दिया है और पूर्वांचल में जाति की स्थिति यह है कि गाजीपुर लोकसभा में जब से परिसीमन हुआ है 2009 में, तब से गाजीपुर लोकसभा में मात्र 30,000 से 32,000 भूमिहार रह गए। जो ज्यादा भूमिहार थे वो जहूराबाद और मोहम्मदाबाद जो विधानसभा है वो बलिया लोकसभा में चले। एक तो जातिगत आंकड़ों वाला बात है, दूसरा लोग मनोज सिन्हा का कहना है कि मैं कितनी बार वो चुनाव लड़े हारे हैं, फिर मनोज सिन्हा के आदमी को टिकट दे दिया गया है, इसलिए ओबीसी तबका थोड़ा वहां शांत है। इस पूरे चुनाव में जानते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को रिजल्ट आएगा, उसके पहले उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया है कि इस चुनाव में कार्यकर्ताओं की उदासीनता बहुत भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, और गाजीपुर में तो उदासीनता बहुत साफ दिखी, क्योंकि 2019 में तो मनोज सिन्हा हारे ही हारे, उसके 2022 में 7 विधानसभा चुनाव में आप हार गए। दूसरी बात क्या किया है कि गाजीपुर में हारे हुए बहुत से नेताओं को, दूसरे दलों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उसको लेके भी जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता है, पुराने नेता है, पुराने विधायक, उनमें बड़ा आक्रोश है, तो जबरदस्त गुटबाजी है। लेकिन उस गुटबाजी में भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी कि अफजाल को वाले मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा, उनकी सजा बरकरार रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कानून पास हुआ था जिसमें यह हुआ था किसी सांसद को अगर 2 साल की सजा मिल जाती है किसी भी आदमी को तो वो सांसद नहीं बनेगा, नहीं वो 6 साल तक चुनाव लड़ सकता। तो इन लोगों को चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल को 4 साल की सजा मिली थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा, तो अभी वो स्टे हटा नहीं है, न सजा कम हुई न ज्यादा हुई है। और आज जो अफजाल के वकीलों ने जो चाल चली है, मतलब बड़ी ही प्लानिंग करके जो दिमाग से 5 दिन का समय मांगा है, उससे अब ये लग रहा है कि अब अफजाल के चुनाव लड़ने में कोई बाधा नहीं आने वाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि अफजाल अगर चुनाव के लड़ने में रोक लग जाएगी तो उनकी बेटी जो नुसरत है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, साइकिल का चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा तो उनको एडवांटेज मिलेगा और वो चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। फिलहाल 2 दिन पहले गाजीपुर में
नरेंद्र मोदी ने रैली भी की थी और योगी जी भी रैली करके आए हैं, उसका फिर रैली हो। गाजीपुर में अंतिम दौर में मतदान होना है और पूर्वांचल में तो आपको पता ही है कि पिछली बार जिन जो चार जिलों की अगर मैं बात करूं, जैसे मऊ की बात करूं, गाजीपुर की बात करूं, बलिया की बात करूं, चार जिलों की, उसके अलावा और भी जिले, ये लगभग पूर्वांचल में 24 विधानसभा सीटें हैं जिसके प्रभारी थे राजीव राय, वहां पे 24 में 20 सीटें सपा गठबंधन ने जीती थी, मात्र 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई थी। ये 2022 का समीकरण था और मैं अभी वहां 2 दिन पूरे क्षेत्र में रह के आया हूँ। वहां अभी भी माहौल सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। 2-3 मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा है। एक तो अग्निवीर को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है क्योंकि बड़ी संख्या में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया और सलीमपुर, इधर चंदौली वगैरह में लोग वहां सेना में जाते थे और जब से अग्निवीर योजना, इसका बड़ा जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है और बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सरकार अगर बन के आ गई तो ये पुलिस में और सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस में भी अग्निवीर जैसी कोई स्कीम लेके आएंगे। एक तो ये है। दूसरा, पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ फरवरी के महीने में, बेरोजगारी चरम पे है तो, और विधानसभा चुनाव में तो हार ही थी भारतीय जनता पार्टी, तो उसके बाद जो अभी जो माहौल है पूर्वांचल का, इसमें भाजपा के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और आज जो अफजाल को लगभग राहत मिल गई, अब अफजाल निसंकोच चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जो समय दे दिया गया हाईकोर्ट ने और अफजाल चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद मुझे लगता है मतगणना के बाद इस पे फैसला आएगा और जब फैसला आएगा तो उसके बाद अफजाल के पास टाइम रहेगा, उस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद थी कि वो अफजाल को हाईकोर्ट का फैसला और अफजाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उस फैसले पे फिलहाल ब्रेक लग गया है। खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कोई कमी हो तो कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।